हेलो फ्रेंड, अभी हम आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप में आप कैसे व्हाट्सएप का रिंगटोन या फिर उसका मैसेज टोन होता है वो आप चेंज कर सकते हैं। कि आपको व्हाट्सएप पे कोई को फ़ोन करेगा तो उसका रिंगटोन अलग बजेगा और नॉर्मल आपका कॉल आता है उसका अलग बजता है। चलिए हम आप व्हाट्सएप खोलते हैं, सेटिंग खोलते हैं, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद आपको नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर आप आइए। नोटिफिकेशन में आप आइएगा तो यहाँ देखिए सारा ऑप्शन खुलेगा। यहाँ जो है मैसेज है, मैसेज टोन है, ग्रुप टोन है, आपको ग्रुप में देखिए नोटिफिकेशन टोन हो गया, रिंग टोन हो गया। तो रिंग टोन में आकर के आप यहाँ जहाँ से आपको लाना है, फोल्डर से, म्यूजिक से, रिकॉर्डिंग से, जहाँ से लाना है आप इसे सेव कर दीजिए ला करके। डिफ़ॉल्ट में आपको ये कुछ नहीं करना है, वो आपको वाइब्रेट है या फिर जो भी रखना है आपको लॉन्ग वाइब्रेशन रखना है, जो भी रखना है वो आप रखिए। ग्रुप नोटिफिकेशन में जो भी रखना है वो रखिए, आपको जो भी लाइट इसका कलर रखना है या वाइट रखना है या फिर नहीं कोई कलर रखना है तो आप नन करके रखिए, ठीक है। ग्रुप में जो भी आती है आप वाइब्रेशन का ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैसेज में आइए, मैसेज टोन जो भी आपको सेव करना है उसे आप मैसेज टोन सेव करिए। अगर दो व्हाट्सएप चलाते हैं तो दोनों में आप अलग अलग रखिएगा तो आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा फर्स्ट में अलग आएगा, सेकेंड में अलग आएगा। इस तरह से आप अपना जान सकते हैं कि आप मेरा व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है या फिर फ़ोन पर मैसेज आ रहा है या व्हाट्सएप पर आप कौन सा व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वहाँ पर मैसेज आ रहा है। आप यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना एडजस्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा रिंगटोन रखना है, अपने मन पसंद का रिंगटोन रख सकते हैं। वीडियो हमारे देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।